2022 चुनावी घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी सपा, गरीबों, किसानों व युवाओं के लिए होगा कुछ खास। बिहार में 3 महीने बाद खुले स्कूल, जाने वाले 40% बच्चे नहीं आ रहे क्लास करने। आगरा में स्कूलों की मनमानी जारी, शासन का आदेश आने के बाद भी वसूल रहे अतिरिक्त फीस। पुलवामा में एनकाउंटर, लश्कर कमांडर समेत 3 आतंकी ढेर, शहर में लगा कर्फ्यू। लखनऊ के हजरतगंज में लगेगी पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की प्रतिमा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी करेंगे लोकार्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के वदोही से। वदोही के नेतृत्व के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी फ्रंटल संगठनों के साथ बढ़ती महंगाई के विरोध में पदयात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने महंगाई को वापस लेने की मांग की। इस दौरान घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर जिला अध्यक्ष महमूद खान ने गांधी पार्क से यात्रा शुरुआत की। यहां से बालिका इंटर कॉलेज PWD चौराहे सहित पाल तिराहा तक गए। वहीं कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष राज बहादुर सिंह ने जिला अस्पताल में यात्रा निकाली। इस क्रम में पदयात्रा में कांग्रेस नेताओं ने पूरे नगर में भ्रमण किया। जिला अध्यक्ष महमूद खान ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल, रिफाइंड सामग्रियों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि, रसोई का बजट बिगड़ गया है। वहीं व्यापारी सामानों को गोदामों में भरकर रख रहे हैं, लाभ उठाकर मांगी दामों पर बेच रहे हैं। पर है उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से। फरुखाबाद 12 जुलाई नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव सहित नव निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ ही पहली बैठक हुई। नव गठित जिला पंचायत में जिले के विकास की रणनीति तैयार की गई। नए अध्यक्ष व सदस्यों के आगमन के मद्देनजर सुबह से ही जिला पंचायत परिसर को चमकाने में कर्मचारी जुटे हैं। शपथ जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने दिलाई। कार्यक्रम के लिए परिसर में वाटर प्रूफ पांडाल तैयार कराया गया है। जिला पंचायत कार्यालय के बाहर प्रांगण में जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण का मंच सजाया गया। इसके बाद जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने नव निर्वाचित अध्यक्ष मोनिका यादव को शपथ ग्रहण कराई। इसके बाद मोनिका यादव ने अपने पक्ष के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम के अवसर पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का। खबर है आगरा के फतेहाबाद से। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग प्रशासन द्वारा अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। तीसरे दिन SDM तथा स्वास्थ्य विभाग की छापेमार कार्रवाई में एक और अवैध रूप से संचालित अस्पताल को सील कर दिया गया। इससे पहले फतेहाबाद के बाईपास रोड स्थित श्रीराम क्लिनिक एंड मेडिकेयर सेंटर पर भी सील लगाई जा चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फतेहाबाद में CSC के अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह को मुखबिर की सूचना मिली थी। फतेहाबाद के बाईपास रोड स्थित बालाजी हेल्थ केयर सेंटर में अवैध रूप से अस्पताल संचालित किया जा रहा है तथा डिलीवरी की जा रही है, जिस पर SDM राजेश कुमार जायसवाल, अधीक्षक डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर प्रमोद कुशवा तथा पापेमार कार्रवाई की। डॉक्टर AK सिंह के मुताबिक अब बालाजी हेल्थ केयर सेंटर के मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाएगी। आज भी डॉक्टर साहब को शिकायत मिली है कि बालाजी हेल्थ केयर सेंटर बाईपास रोड फतेहाबाद पर अवैध रूप से प्रसव कराया जा रहा है। इसकी सूचना पर डॉक्टर साहब, मैं और पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की है। यहाँ बिना डॉक्टर के अस्पताल संचालित होता पाया गया। प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितता पाई गई है, फिलहाल इसको सील कर दिया। कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखा पाए? कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं दिखा पाए। सब मेडिकल भी चल रहा था वैध रूप से। हाँ, नीचे इनका मेडिकल का भी, मेडिकल स्टोर भी है, बेड भी पड़े हुए हैं। ये कार्रवाई कब तक चलेगी? जब तक जल्द सूचना मिलेगी। आप लोग से भी अनुरोध है कि इस तरह का कोई हो संचालित हो रहा हो तो उनको सावधान कर दे कि वो अपना या तो लाइसेंस बनवा ले, लाइसेंस बनाकर संचालित करें, जनता का सही ढंग से इलाज करें, अवैध रूप से कोई क्लिनिक न संचालित करें, कोई अस्पताल न संचालित करें। बरेली में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर पेट्रोल, डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतें
₹100 के पार होने पर और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर लगातार बढ़ रहे पेट्रोल के दामों को लेकर कांग्रेस जनों ने जबरदस्त नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। आज सुबह 11 बजे से ही विधानसभाओं, तहसीलों, ब्लॉकों, न्याय पंचायतों, वार्डों से जुलूस लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए कांग्रेस जन सहमतगंज चौराहे स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर पहुंचना शुरू हो गए थे। सभी कांग्रेस जन नारेबाजी करते हुए कंपनी गार्डन चौराहे पहुंचे और वहां पर जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी कहती थी बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज देश की जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, ना बाबा मोदी सरकार। क्योंकि जब कच्चे तेल का रेट मार्केट में कम हो रहा है और उसके बाद भी लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाना, गैस के दाम बढ़ाना, जनता की जेब में डाका डालना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों से पैसा लूट कर डीजल और पेट्रोल के नाम पर चंद दो अपने दोस्त उद्योगपतियों का को जेब में भरने का काम कर रही है, उनसे प्रचार प्रसार अपनी पार्टी का करने का काम कर रही है। देश की जनता ये सब जान चुकी है, देश की जनता सड़कों पे उतरी है और इनको गद्दी छोड़ना पड़ेगा। देश की जनता ने नारा दे दिया है चंदा चोर गद्दी चोर, ऐसी चीजों को लेकर अब जनता सड़क पे उतर आई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आज प्रदर्शन किया और ये मांग की है कि डीजल पेट्रोल के दाम। किस तरह का प्रदर्शन किया, चूड़ी वगैरह क्या? आज जैसे स्मृति ईरानी कहती थी कि मैं प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेजना चाहती हूँ, आज हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने भी उनसे पूछा है। 2014 में जब 68 रुपए का डीजल पेट्रोल बिकता था, 350 रुपए में सिलेंडर बिकता था, उसके बाद आप चूड़ी भेजने का काम कर रही हैं। आज तो 850-900 रुपए का सिलेंडर है और शतक पार कर चुका है डीजल। इसके लिए मोदी जी को हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने चूड़ी भेजने का काम किया है और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने बैलगाड़ी ठेले पर लाद कर कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन तानाशाही, हिटलर शाही, योगी की पुलिस ने हमें बीच में रोकने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, इनको गद्दी से उतार कर फेंक कर सांस लेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे स्लोगन आपने दीवारों पर लिखे देखे होंगे, लेकिन सरकार के कड़े निर्देश होने के बावजूद भी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। जहां दहेज के लोभियों ने दहेज की डिमांड पूरी न होने पर पहले पिटाई की फिर तीन तलाक कहा और इतना करने के बावजूद भी परिवार के सदस्यों ने मिलकर फांसी के फंदे पर टांग कर मारने का प्रयास किया है, वहीं पति के द्वारा महिला की वीडियो बनाकर डायल 112 को देकर के आत्महत्या करने का मामला दर्शाने का प्रयास किया है। दरअसल यूपी के जनपद चंबल के थाना हयातनगर क्षेत्र के मोहल्ला चकली कोटला की रहने वाली महिला गुलफसा की शादी बीते 4 वर्ष पूर्व अकरौली गांव से हुई थी, जहां महिला की मायके वाले अकरौली निवासी तौफिक ने अपनी 2.5 बीघे जमीन बेच करके मांगी गई दहेज की धनराशि देकर के मुस्लिम धर्म के हिसाब से निकाह किया था। वहीं महिला के पास 2 बेटियां मौजूद हैं, जबकि आए दिन लगातार दहेज के लोभी ससुराल पक्ष के द्वारा प्रताड़ित करने और 3 तलाक देने की धमकी दी जा रही है। जबरन बेड के ऊपर टंगे पंखे में फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया गया। महिला के पति के द्वारा वीडियो बनाकर आत्महत्या दिखाने का ससुराल पक्षियों के द्वारा दावा किया गया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने अपने क्षेत्रीय थाना बनिया ठेर में तहरीर देकर पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब देखना होगा कि पीड़ित बेटी को क्या न्याय मिल सकता है या फिर तहरीर की कॉपी फाइलों में सिमट कर रह जाती है। मेरे साथ दहेज के वो करते रहते थे, मैं दहेज लाओ अपनी, मैं कैसे तलाक दूंगा, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। फिर मेरे माँ बाप ने जितना भी था दे दिया, फिर मेरे पापा ने जमीन देख के भी इनके मतलब कर दिया, जब भी इनको चैन नहीं, फिर भी पता ना क्या क्या करते रहते हैं मेरे साथ। फिर अब 8 दिन से मेरे साथ फांसी लगाने का वो कर दिया और फांसी लगाकर मुझसे झूठ, फांसी लगाकर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया झूठ का कि ये खुद फांसी लगा रही है। इनके घर वाले सारे इकट्ठे थे, इनकी भाभी भी थी, हमारी जेठ भी थे, जिठानी भी थी, नूर हसन, महराज इब्ले हसन, नाजमीन, सास हजरा बेगम, नंद, रोशन, जेठ नंदोई, मुस्तफली और पति हमारा अहमद हसन, ये सब लोगों की मतलब सबकी गुट बनी हुई थी। 3 दिन से मैं कमरे में बंद रही अपने बच्चों को लेकर,
मेरे बच्चों के साथ बुरी इल्जाम करे। मैंने वहीं 3 दिन तक अपनी जान बचाई। मैंने अपने बच्चों को हगना मूतना सब लेटरिन पेशाब अंदर ही करवाया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने एक जाल फिर बना लिया। चौथे दिन मुझे प्यार मोहब्बत के साथ निकाल के, मैंने सोचा कोई बात नहीं है, पति हैं, पति के साथ जब मैं निकल गई तो मेरे पति ने जाल फैला दिया और उन लोगों को लाकर कमरे में बंद करवा कर मुझको और कमरे में फांसी पर लटका दिया। 2 बार मुझको कोशिश करिया, 2 बार में मैं उनके जाल में नहीं फंसी, 3री बार में फिर भी उन्होंने उठाकर मुझे फांसी पर लटका दिया। मेरे बेड पर चढ़ा के मुझको लगा रहे थे, फांसी का फंदा मेरे गले में डालकर फांसी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। इतने 100 नंबर फ़ोन कर दिया, फ़ोन पुलिस को, पुलिस आ गई। इतने में ये अपनी फांसी लगा नहीं पाए, कुछ फंदा रह गया जिससे कि मेरी जान बच गई। इन लोगों ने, इतनी पुलिस आई, इतने में मेरी पुलिस वालों ने आकर 100 नंबर जान बचा दी। ये लोग भाग गए अपनी जान छुटकारा पाकर और कह दिया कि वीडियो बना ली हमने, इसने अपने आप जान को खतरा कर रही है, अपनी आत्महत्या कर रही है। मैं आत्महत्या करती तो मैं अपने बच्चों को नहीं देखूंगी क्या? अपनी उंगली तो काटता है इंसान, तो डर तो होता है। मेरे पे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है 3 साल, चौथी साल में चल रही है, और एक साल का बच्चा है। थाना बनिया ठेर, और तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये पहली बार कार्रवाई करवा रही हूँ, लेकिन इससे जिस उनको पता चल जाए कि महिलाएं होती क्या हैं, महिलाएं को ऐसे कैसा सबक दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? तौफीक। कहाँ के रहने वाले? अकरोल। अच्छा, ये क्या मामला है? थाना बनी के यार लड़की के जान संभालने के बाद इनके, हम हमारी लड़की हमारे पास आई जब हम थाने को आए। नहीं, लड़की के 4 साल हुए शादी को, उन्होंने पैसा मांगा था, हमारे पास पैसा था नहीं, जो हमने हाँ हमारे पास वो हमने दे दिया, और बकाया हम बना है तो हम कहाँ से लाए? अब जान संभालने के इरादे कर दिए, रूम जाके पंखे में लटका दी लड़की, लड़की मारपीट का मारपीट में जान संभालने के इरादे में आए हो गए, फांसी पर लटका दी हमने, जो हम यहाँ को आई हमारे पास जान बचा के, हमने जो फिर थाने कर दिया क्या। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।